अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बारबेक्यू तंदूरी ग्रिल्ड फ़िश की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे बिना ग्रिल बिना अवन के बहुत ही आसान तरीके से फ्राई पैन में कुक करेंगे। आज की वीडियो में मैं फ़िश दो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कुक करके भी दिखाऊंगी और दो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सर्व करके भी दिखाऊंगी। बहुत ही सिंपल, हेल्दी, कम ऑयल के साथ यूनिक सी फ़िश की रेसिपी इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे फ़िश देख लेते हैं कि इसको कैसे साफ़ करना है। मेरे पास आधा किलो फ़िश है और ये बोनलेस है। आप लोग चाहें तो स्किन और बोन के साथ भी फ़िश इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िश वॉश करने का मेथड मैंने लास्ट ईयर भी शेयर किया था, लेकिन आज मैं फिर आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। 1/4 कप सिरका डालेंगे और 2 से 3 कप पानी डालेंगे। पानी इतना डालना है कि फ़िश इसके अंदर डिप हो जाए, और साथ ही साथ यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल देंगे। 1 चाय के चम्मच से कम है, फुल भर के नहीं डाला। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि पानी और तमाम चीज़ें मिक्स हो जाएँ। कवर करके 8 से 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट देंगे। 8 से 10 मिनट से ज़्यादा आप लोगों ने इसको नहीं छोड़ना। अगर ज़्यादा छोटे साइज़ की फ़िश हो तो फिर कम टाइम दीजिएगा, ठीक है। चलिए, मैरिनेशन के लिए 2 खाने के चम्मच ताज़ा नींबू का रस, 1 खाने का चम्मच लहसुन की पेस्ट ताज़ी बना के डालनी है। नमक अपने जायके के हिसाब से डालिएगा। लाल मिर्चों का पाउडर ½ चाय का चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच, ना हो तो पेपरिका पाउडर भी यूज़ की जा सकती है। खुश्क धनिया पाउडर ½ चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर ½ चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 चाय का चम्मच, घर का बना हुआ खुशबूदार गरम मसाला 1/4 चाय का चम्मच, अजवाइन क्रश की हुई 1/4 चाय का चम्मच, फूड कलर है येलो वाला 1 चुटकी, पीला जर्दे का रंग, ठीक है। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। कलर चेक कर रहे हैं ना, तंदूरी ग्रिल्ड फ़िश वाला कलर, ये देखें। बहुत यूनिक से मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चले, यहाँ पे 8 मिनट हो गए हैं। फ़िश को आप ज़्यादा देर के लिए सिरके वाले पानी में रखेंगे ना तो खटास चली जाएगी, तो ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना। मैक्सिमम आप इसको 10 मिनट के लिए रखेंगे, लेकिन अगर फ़िश बहुत मोटी है, ज़्यादा बड़े साइज़ की है, तो 10 से 12 मिनट। मैंने 8 मिनट टाइम दिया है। पानी गिरा दिया और इसको वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद एक छन्नी में डाल के रख दिया था ताकि इसका पानी जो है वो निकल जाए, और फ़िश बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। फ़िश में पानी नहीं है, फ़िश ड्राई है, ठीक है। सिरके वाला पानी गिरा दिया और अच्छे तरीके से इसको वॉश कर लिया। चले, जब फ़िश का पानी ड्राई हो जाएगा, फ़िश खुश्क हो जाएगी, तो हम लोगों ने जो मसाले मिक्स करके रखे थे वो इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। थोड़ा थोड़ा सा लेंगे और एक एक फ़िले के ऊपर लगाते रहेंगे। आधा किलो में 3 फ़िले हैं, बस मुनासिब साइज़ है। ज़्यादा छोटे भी नहीं है, ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं। आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी फ़िश यूज़ कर सकते हैं, हड्डी और स्किन के साथ भी। ये देखें, बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट्स थी, कोई भी चीज़ हमारी ज़ाया नहीं गई। तमाम जितने भी मसाले मिक्स किए थे फ़िश के ऊपर अच्छे तरीके से लगा दिया। कवर करें, 1 से 2 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दें। मैक्सिमम 1 या 2 घंटे, इससे ज़्यादा आप लोगों ने इसको रेस्ट नहीं देना, क्योंकि जो मैरिनेशन हमने बनाई है ना, उस हिसाब से इसको 1 से 2 घंटे रेस्ट काफ़ी, और फ्रिज में रखेंगे। आप देखेंगे घंटे के बाद इसका पानी जो है, जो इसके अंदर फ़िश के अंदर था, वो निकल जाएगा, ठीक है। तो पानी गिरा देना आप लोगों ने। यहाँ पे ग्रिल बास्केट है मेरे पास, मैं ये यूज़ करूँगी। ना हो तो कोई भी आप लोग स्टील का स्टैंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पुराना सा एक फ्राई पैन लेंगे, थोड़ा सा नमक डाल दें, तकरीबन 5 से 6 खाने के चम्मच। पुराना फ्राई पैन अवेलेबल ना हो तो रेगुलर यूज़ का आप कोई इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर उसको फॉइल पेपर से पहले कवर करें और उसमें नमक डाल दें ताकि फ्राई पैन जो है वो आपका जले नहीं। लेकिन आज मैं पुराना फ्राई पैन यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर ग्रिल बास्केट के ऊपर मैंने 2 फ़िले रख दिए हैं फ़िश के। मीडियम हाई टू हाई हीट पे मैंने नमक डाल के पैन को बहुत अच्छे तरीके से गर्म किया। ठंडे पैन के ऊपर फ़िश नहीं रख देनी आपने, पहले अच्छे तरीके से इसको गर्म करेंगे, फिर फ़िश रखेंगे और 8 से 10 मिनट एक साइड कुक करेंगे, मीडियम हाई टू हाई हीट पे। मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्टोव है, मतलब कि बिजली का चूल्हा, तो मैंने फुल हाई हीट पे इसकी कुकिंग कर रही हूँ। 8 से 10 मिनट एक साइड पे। टाइमिंग जो है वो डिपेंड करती है फ़िश के साइज़ पे, फ़िश कितनी मोटी पतली है उसी हिसाब से आप टाइम एडजस्ट करेंगे, ठीक है। मैंने दोनों साइडों को 8 से 10 मिनट दिए हैं, और जब बिल्कुल कुक हो गई है तो हल्का सा मैंने ऑयल लगा दिया इसके ऊपर। ऑयल बिल्कुल लास्ट पे लगाएंगे, क्योंकि जब आप लोग ऑयल लगाएंगे ना तो धुआं निकलेगा। तो लीजिए माशाल्लाह माशाल्लाह बेहतरीन और बहुत ही आसान तरीके से मज़ेदार किस्म की ग्रिल्ड फ़िश हमारी तैयार है। इसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे, थोड़ा सा धनिया कलर के लिए इसके ऊपर डाल देंगे। साथ में मैंने यहाँ पे अपनी स्पेशल फ़िश की चटनी बनाई है, आप लोग सर्च करें फ़िश चटनी बाय कुकिंग विद पैशन। तो यहाँ पर आप इसको मेरे तड़का राइस मतलब कि सिंपल पुलाव के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए आज तवे पर भी कुक करके दिखाती हूँ। यहाँ पर 1 चाय का चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल डाला है और फ़िश रख देंगे इसके ऊपर मीडियम टू मीडियम लो हीट पे। इसकी कुकिंग करेंगे 4 से 5 मिनट एक साइड पे। तो जिसको ग्रिल करने का मेथड नहीं फॉलो करना वो डायरेक्ट तवे के ऊपर इसको पका सकता है। रेसिपी क्योंकि बहुत ही हेल्दी है, कम ऑयल का यूज़ किया इसके अंदर। तो आप इसको रोटी नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं, राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, दोनों तरीक़ों से अच्छी लगती है। 4 से 5 मिनट एक साइड कुक करेंगे। 8 से 10 मिनट में फ़िश हमारी तवे पे बेहतरीन किस्म की कुक हो जाती है। ठीक है, टाइमिंग जो है ना वो फ़िश की क्वालिटी पे डिपेंड करती है कि आप किस किस्म की फ़िश इस्तेमाल करनी है। तो यहाँ पे देखें अंदर तक फ़िश बहुत अच्छे तरीके से कुक हो चुकी है। माशाल्लाह माशाल्लाह स्क्रीन में आप लोग देख सकते हैं कि फ़िश किस कदर खूबसूरत और मज़ेदार किस्म की बनके तैयार हुई है। बहुत ही परफेक्ट तरीके से कुक की है। आप इसका टेक्स्चर चेक करें, ये देखें बिल्कुल ड्राई है, इसके अंदर पानी नहीं है। एक एक रेशा जो है ना फ़िश का वो बिल्कुल अलहदा हो गया है, ये देखें। तो फ़िश को दबा दबा के कुक नहीं करना, बस आपने इसको कुक होने के लिए रख देना, वो खुद ही कुक हो जाएगी अंदर तक। साथ में आप चटनी बनाएं और इसको एंजॉय करें। राइस के साथ भी ये बहुत मज़े की लगती है और नान के साथ भी। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें। लाइक और प्यारा सा कॉमेंट करना आप लोगों ने नहीं भूलना। अगर आप मेरी रेसिपी को ट्राई करती हैं तो अपनी फूड पिक्चर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर। अगर आप लोगों ने मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप लोग कर सकते हैं। कोई भी बात हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड ऑब्वियसली रिमेंबर गाइस, होममेड इज़ द बेस्ट। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह हाफिज़।